इसको बोलते मौत के कुएं वाले, ताकि तेज आवाज आए, उसको चला रहे हैं, हॉर्न तेज वाले लगाते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को तकलीफ दे रही, और तकलीफ दे रही है तो ये फिर सारी चीजें तो वही हक मानना, क्योंकि इससे आप तेज लगा कर अगर आप निकले, बच्चों को उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से सुलाया, वो खुद परेशान हो रही, बीमार था, कोई बूढ़ा था, बड़ी मुश्किल से उसकी आँख लगी, जैसे तैसे वो, क्योंकि बूढ़ों लोगों को बेचारे को नींद भी नहीं आती, रात भर वो जगह पड़े रहते हैं। अब दिन में जैसे तैसे उसको नींद ही आई थी और आपने तेज गाड़ी चलाकर जोर से हॉर्न बजा दिया, उनकी नींद खोली, बच्चा रोने लगा, हक मारा, आपको तो पता भी नहीं, रोज़े कयामत सवार हो जाए। या फिर जो है आदमी ने शादियों के अंदर लोग फटाखे छोड़ रहे हैं, मुख्तलिफ कोई पार्टी जीत गई तो फटाखे छोड़ रहे हैं, ढोल नगाड़े जोर जोर से बजा रहे हैं, हालांकि कोई लेना देना नहीं, पूरी सिटी में वो जुलूस घुमा रहे हैं, पूरी सिटी के अंदर शादी हो रही है, शादी उसके मोहल्ले में हो रही है, वो पूरे 50 मोहल्लों से गुजर रहा, वो उसके उसकी शादी से किसी को लेना देना भी नहीं, चलो पूरे शहर को बुलाता था तो सोचे ठीक है खाना खिलाएगा तो सहन कर लो, इतना तो ढोल बजा रहा, फटाखे छोड़ रहा, वो किसी को नहीं बुला रहा, लेकिन वो बेचारा परेशान सबको कर रहा है, फटाखे छोड़ रहा है, बच्चे उठ रहे हैं, अब शादी उसकी हो रही, दूसरों को परेशान, जोर जोर से बैंड बजा रहा है, जो है ढोल पीट रहे हैं, वो दूसरे परेशान, तो ये परेशान, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर हो रही है। या फिर लोग जो बंदूकें छोड़ रहे हैं, गाँव के अंदर तो होता है, बंदूकें भी छोड़ी जा रही है वहाँ पर, आदमी तो उससे तो अच्छे से आदमी दहशत में आ जाता है, वो कई हादसे हुए भी हैं, देखे होंगे सोशल मीडिया आम है, लोग बंदूकें चला रहे थे, दूल्हा ही मर गया, दूल्हे को मार दिया बच्चा जिसकी शादी में गई थी, दूल्हे के बाप को मार दिया, कितने केसेस आते। तो ये ऐसे काम आप कर रहे हैं, और फिर ये अब ये तो फिर खून हो रहे हैं इसके अंदर, हक मारना, तो ये तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस्लाम ने उभारा कि ऐसे हक भी ना मारा जाए कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो। और उसके अंदर फिर यही नहीं है, इन चीज़ों से इंसान को तो होती है, इसके अलावा दूसरी को भी तकलीफ होती है, यानी परिंदों को तकलीफ होती है। आप रात के अंदर आप देखिए परिंदे सारे पेड़ पर बैठे हुए हैं, या जो है तारों पर पोल के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, और आपने जाकर फटाखा छोड़ दिया, अब वो बेचारे रात को बिट्टू कबूतर सारे उड़ के भाग गए, अब उनको ना रात को दिख रहा है, ना वो किधर से टकरा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उनके बच्चे थे छोटे, उनको उड़ना ही नहीं आ रहा, वो धमाके की वजह से नीचे गिर गए, जानो उनको उठा के ले जा रहे हैं, ये सारे कौन, ये आपको नहीं मालूम पड़ रहा, एक फटाका आपने छोड़ा, आपको नहीं पता कि उसका क्या हुआ, आपने जोर से हॉर्न बजाया, उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा आपको मालूम ही नहीं, कितने लोगों का इफेक्ट पड़ा, कि वो बच्चा उड़ गया, वो बूढ़ा बेचारा सो रहा था वो उड़ गया, बीमार था वो परेशान हो गया, परिंदे वहाँ से उड़ गए, उनका हक मर गया, कितने सारे को तकलीफ हुई आपको पता भी नहीं, कि इतनी सी आपको थोड़ी सी थोड़ा सा मजा लेने के लिए आपने कितने जनों को तकलीफ दी। तो ये सारे भी जो है हक है, या जो है आप हक ये मार रहे हैं कि आप अपना घर बना रहे, अपना घर बना रहे लेकिन सब पूरे मोहल्ले को तकलीफ, पूरा सामान बिखरा पड़ा, सब ईंटें इसके घर के सामने डाल दो, गिट्टी इसके सामने डाल दो, रेत इसके सामने डाल दो, और आपने पूरा जो है इसको परेशान करके रख रखा है, सलियाँ उसके वहाँ पर डाल के रख रखा है, आप पूछे अगर वो तैयार है उसके लिए कि भाई मैं थोड़ी सी जगह नहीं मैं इस्तेमाल कर लूँ, तो ठीक है, नहीं तो मना करें, इतना इतना ही मंगाए कि जितना आपको लगता है। तो ये चीज़ें भी सारी चीज़ें हक मारने में से, अगर उसको तकलीफ हो रही है उससे तो हक मारना हुआ। तो इसके अंदर भी हम, तो हम अगर ये सारी चीज़ें हैं, बताया ये कि और भी कई चीज़ें इसमें बयान की जा सकती है, तो हम ये सब चीज़ें अगर ध्यान ना रखें और उसके बाद फिर हम हमारे रोज़े हमारी नमाज़ें और भी जकात और फिर हज करते रहें, तो फिर हमको सोचना चाहिए कि ये हमारी चीज़ें नमाज़ें रोज़े और ये हमको जन्नत नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हमने लोगों के हक मारे हैं तो ये हक हमको लोगों के अदा करना ज़रूरी है।